कल्याण शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से मुफ्त आरोग्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था। दूषित वातावरण के कारण होने वाली विविध संक्रामक बीमारियों से नागरिकों को बचाने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कल्याण शहर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद सलीम शेख द्वारा ये शिविर आयोजित की गई थी। शिविर में ECG, डायबिटीज, आंखों की जांच, कम दरों में चश्मे, ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी चेकअप, कैंसर जैसे रोगों से जुड़ी हुई जांच मुफ्त में की गई। जांच के साथ शिविर में मौजूद विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों को आवश्यक सलाह भी दी। इस अवसर पर कांग्रेस के कोकण विभाग अध्यक्ष अनिस कुरैशी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष एजाज मौलवी आजम खान, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सचिन पोटे, शकील खान आदि कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। कल्याण पश्चिम बैल बाजार स्थित वलीपुर रोड पर मौजूद सलीम शेख के कार्यालय में यह आरोग्य जांच शिविर का आयोजन हुआ था। बता दें कि वलीपुर रोड, बैल बाजार आदि परिसर मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों का है, इसलिए गरीब और आवश्यक लोगों ने शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ लिया, साथ ही कुछ लोगों ने रक्तदान भी किया। कल्याण शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आज जो आरोग्य शिविर रखा गया है, परसों हमारे भारत रत्न मौलाना आजाद साहब, उनकी यौम वफात का दिन था, उनकी पुण्यतिथि थी, उसके उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम है। आज रविवार का दिन होने की वजह से लोगों को छुट्टी का दिन है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा की, आरोग्य सेवा की, डॉक्टरों की, चिकित्सा की, ज्यादा से ज्यादा लोग सेवा पा सके, इसलिए आज इतवार के दिन ये प्रोग्राम रखा गया। और ये तो आरोग्य सेवा की सबसे बड़ी सेवा है कि गरीब लोगों को इलाज किया जाए, जिनके पास पैसे नहीं होते, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते गरीबों तक, उनको सही मात्रा, क्योंकि खिदमत खल्क का जहाँ तक मैं समझता हूँ तीन मकसद है, दे दे, दिला दे, या देने वाले का दर्द बता दे। तो सलीम भाई ने जो हमारे यहाँ के अभी कल्याण पूर्वक यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष पर भी हमने नियुक्त किया है। तो ये हमारी एक सोच है, कांग्रेस पार्टी की तो हमेशा सोच रही है गरीबों के साथ। जैसे कि आप देखते हो कि राजीव गांधी जीवनदायी योजना के तहत पूरे देश भर में लोगों को मुफ्त सेवा के जरिए आज बड़े से बड़ा इलाज वो आसानी से कर सकते हैं। इस मेडिकल कैंप को कामयाब बनाने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कोकण विभाग सचिव गुलाब मनियार, कल्याण शहर ब्लॉक कमेटी सचिव फिरोज सैयद, ब्लॉक उपाध्यक्ष अशफाक शेख, अरशद मुल्ला और सूफी मुल्ला ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें कैंसर का चेकअप है, ECG है और आंखों के लिए है, ब्लड डोनेशन का है, ब्लड चेक है और फुल बॉडी चेकअप है, वेटलेस ये चेकअप है, हाँ वो भी है, आंखों के अच्छे में चश्मे भी है, हाँ कैंसर का है, है। और दूसरे हमारे दो चेकअप जो हार्ट के लिए है, हार्ट का टूडी को ऐसे 10-12 चेकअप है। और ये ऐसा है कि गरीबों के लिए इसकी आज बहुत जरूरत है, गरीब को देखते हुए कैंप रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग आज देखते हैं कि हर एक दवाखाने के अंदर हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे मरीज जाते हैं और सरकार की तरफ से उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी हमारे इधर एक रुक्मिणी हॉस्पिटल है कल्याण में, और उधर जाओ पेट में दर्द है तो सीधा बोलते हैं हमारे पास नहीं होगा, तुम प्राइवेट में चले जाओ। अभी एक गरीब आदमी प्राइवेट में जाके अपना इलाज नहीं कर सकता, वो इसका रीज़न ये है कि उसके लिए पैसे लगते हैं और वो नहीं होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम ये भी चाहते हैं आपके माध्यम से, मैं ये बोलूँगा सरकार तक ये बात पहुँचे मेरी कि रुक्मिणी हॉस्पिटल जो है इसमें हर किस्म की फैसिलिटी, सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन, ये सारी फैसिलिटी उसके अंदर हो तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।